दिस इज दी ओन न्यू डोज रैम टीआरएस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मॉडल पाकिस्तान के अंदर पहले अमेरिकन पिकअप ट्रक्स का ट्रेंड नहीं हुआ करता था अब पाकिस्तान में काफी तेजी से अमेरिकन पिकअप ट्रस इम्पोर्ट हो रही है तो उसमें से एक ये वाली गाड़ी इम्पोर्ट की गई है ये कोई नॉर्मल डोज रैम नहीं है ये काफी अपग्रेडेड वजह है काफी पावरफुल इंजन के साथ आती है ये डोज रैम टीआरएक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मॉडल यह गाड़ी फ्रेश इम्पोर्ट हुई है उस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी की कम्प्लीट डिटेल लूंगा की इस गाड़ी में क्या क्या, -क्या फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं क्योंकि ये लेटेस्ट जनरेशन है डोज रैम की ये गाड़ी अवेलेबल है कार्ज कराची पे अगर आप आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है इस गाड़ी को बाय करना चाहते हैं तो आप कहा पे विजिट कर सकते हैं मेन खालिबिन वली रोड कराची में लोकेटेड है तो आप यहाँ पे विजिट करके डोज डैम के, के रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते ले सकते हैं या तो इसको इंपोर्ट करवाना चाहते हैं रेंज रोवर लेन क्यूज याल सी थ्री हंड्रेड या किसी भी गाड़ी के रिलेटेड जो की लग्जरी गाड़ी हो तो आप विजिट कर सकते हैं गाड़ी के सबसे सब पहले हम लोग प्राइस की ही बात कर ले तो ये ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की न्यू जनरेशन है डोज डैम की रेयर है क्यूँकी डिजिटल गेज क्लस्टर के साथ आती है और इसमें बिल्सन की सस्पेंशन मिलती तो इस गाड़ी की जो पाकिस्तान में कीमत है साढ़े नौ से दस करोड़ रुपए के दरमियान ये गाड़ी पाकिस्तान में आती है अगर आप इसको जीरो मीटर में बाय करते हैं तो ये बारह से तेरह करोड़ रुपए में मिलेगी इंजन की तरफ आ जाए तो इस गाड़ी के अंदर सिक्स पॉइंट टू लीटर का सुपर चार्ज इंजन दिया जाता है जो की मोस्ट पावरफुल इंजन है ये मोस्ट पावरफुल पिकअप ट्रक है जो कंपनी से ही स्टॉक आपको सेवन जीरो मिलती है और एट एटी वन न्यूटन मीटर ऑफ टॉक प्रोड्यूस करती है गाड़ी की हम लोग फ्रंट प्रोफाइल से लुक्स देखे तो काफी अग्रेसिव आ जाती है इस गाड़ी की हाइट भी काफी ज्यादा है जैसे की आपने शेल्बी में देखी होगी बट ये गाड़ी शेल्बी से भी ज्यादा हाइट में आ रही है फ्रंट पे इस गाड़ी के बाइजोन प्रोजेक्टर लेंस

जगह पे फंस जाती है इस गाड़ी की क्योंकि हाइट इतनी ज्यादा है और इस गाड़ी में पावर इतनी ज्यादा है तो यह गाड़ी किसी जगह पे बिल्कुल भी फंसेगी नहीं फ्रंट पे इस गाड़ी के पार्किंग सेंसर्स मिल फ्रंट पे एक कैमरा मिलेगा जो इंडिकेट करता है कि व्यू कैमरा सेटअप के साथ गाड़ी आती है और यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी फॉग लैंप्स भी ऑफर किए जाते हैं फ्रंट से अगर बम्पर के डिजाइन को हम लोग देखते तो ये थोड़ा सा हमें फोर्ड एफ्टी रैप्टर से मिलता जुलता नजर आता क्योंकि वो भी एक अमेरिकन गाड़ी है लेकिन वो फोर्ड कंपनी की है डोज कंपनी की है लेकिन डोज कंपनी की अगर आपने स्पोर्ट्स व्हीकल्स देखी होगी स्पोर्ट्स कार आती है डोज चले जब वो काफी पावरफुल इंजन के साथ आती सेम इंजन इसी वाला दिया जाता है सिक्स लीटर का तो इस गाड़ी में भी आपको वही इंजन दिया जाता है लेकिन ये भी उसी तरह से मोस्ट पावरफुल पिकअप ट्रक है बोनेट पे भी इंजन वेंटिलेशन के लिए ग्रिल ऑफर की जा रही है जैसा कि हम लोग अमेरिकन पिकअप ट्रक्स का साइज देखते हैं तो वो काफी यूज होता है तो इसी तरह से ये गाड़ी का भी साइज आपको काफी यूज मिलता है और इस गाड़ी की हाइट भी काफी ज्यादा है की तरफ आ जाए तो यहाँ पे आपको 18 इंच के लोईवीज मिलेगा अब आप तो कहेंगे लेकिन नहीं इस गाड़ी में आपको दो या दो साइज नहीं टायर का मिलेगा इस गाड़ी के अंदर 325 टायर साइज दिया जा रहा है जो कि काफी हैवी और ऑफ लुक प्रोवाइड करता है जैसे की देख सकते हैं एक ऑफ रोडिंग टायर इसमें ऑफर किया जा रहा है पाकिस्तान में डोज रैम के यूनिट अभी बहुत कम इम्पोर्ट हुए उसमें से ये वही गाड़ी स्पेशली रे गाड़ी में बिल्डन की सस्पेंशन दी जाती है जो की नॉर्मल रैम में नहीं मिलेगी इस वजह से इस गाड़ी की हाइट काफी

ट्रंक मिल जाता है इसके लेकिन ट्रंक को अगर क्लोज करना इतना हैवी नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह भी क्लोज कर रहा लू मुझे मुश्किल नहीं हो रही क्लोज करना चाहता तो ये क्लोज हो गया अगर मैं इसको ओपन करना चाहता तो यहाँ पे भी हमें एक बटन दिया जाता है इसको हम लोग इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं रे प्रोफाइल पे देखे तो काफी स्पेशियस ये गाड़ी आ जाती है जैसे कि देखे तो यहाँ पे हाइमन कार्डन का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है जो कि आपने बी की कार्स में देखा होगा डोर पे भी लेदर फिनिशिंग मिलेगी लेदर सीट्स मिल जाएगी तो गाड़ी में पेनेर सनरूफ मिलती है स्पीकर भी हारमन कार्डन के मिलते हैं जो रूफ पे भी मिलेंगे, फ्रंट पे डोर्स पे भी मिलेंगे। अगर हम सेंडर कंसोल के फीचर्स को देखें तो इस गाड़ी के अंदर आपको रे सीट्स हीटेड वेंटिलेटेड मिलेगी पावर आउटलेट मिलेगा टाइप सी पोर्ट्स मिलेंगे यूएसबी पोर्ट मिलेगा और फोर जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा अगर आप क्लाइमेट को एडजस्ट करना चाहते हैं आप आराम से क्लाइमेट को भी एडजस्ट कर सकते हैं इंटीरियर पे आए तो इस गाड़ी के इंटीरियर पे इतने ज्यादा कंट्रोल्स आपको मिलेगा आप भी हैरान रह जाएंगे कौन सा बटन क्या वर्क करता है लेकिन मैं आपको एक एक बटन की इन्फॉर्मेशन दूंगा सिर्फ स्टेरिंग व्हील की तरफ आए तो एक लेदर स्टिच मिल रहा है मल्टी फंक्शन मिल रहा है यहाँ पे डोज का लोगो मिलता है और बेसिकली ये डॉच और रैम का लोगो इसमें दिया जाता है एयरबैग आ जाएगा कंट्रोल मीडिया के मिलेगा और यहाँ पे देखते तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिलेगा क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी में डेप्टिव ऑफर किया जाता है लेन असिस्ट मिलता है और क्रूज कंट्रोल की लिमिट को एक्सेस कर सकते हैं ये गाड़ी पेरा शिफ्टर भी करती है तो आप देख सकते हैं इसमें पैराशिफ्टर पैराशिफ्टर के साथ यहाँ पे रेड भी एक बटन ऑफर किया जा रहा है देख सकते ये इसके गैस की, की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं यहाँ पे हाइमन काइन का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है फोर विंडोज ऑटो फीचर के साथ मिलेगी सेंट्रल लॉकिंग और मिरर्स के कंट्रोल मिलेगा ये गाड़ी मेमोरी फंक्शन सीट भी ऑफर करती है और इलेक्ट्रिक सीट ऑफर करती है लंबा स्पोर्ट के साथ और इस गाड़ी की सीट भी हीटेड और वेंटिलेटेड मिल जाती है लाइट्स के कंट्रोल आ जा जाएगी यहाँ पे एम स्क्रीन की लाइट को एडजस्ट करना चाहिए यहाँ पे टो हुक्स वगैरह की और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक इस तरफ आ जाता है स्क्रीन देखते हैं तो गाड़ी की एम स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है जो की कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन के साथ मिल जाती है पाकिस्तान में अभी जितनी भी डोज डेम न्यू जनरेशन आई है अंदर आपको डिजिटल क्लस्टर नहीं मिलता है ये तीन से चार गाड़ियां सिर्फ ऐसी है जिसमें डिजिटल क्लस्टर मिलता है उसमें एक गाड़ी ये भी है तो यहाँ पे कंप्लीट जो गाड़ी में एडास के फीचर्स ऑफर किए जाते हैं वो आपको इंडिकेशन मिलेगी एडास फीचर्स के साथ साथ सेंटर पे जो के लेन लेन असिस्ट ऑटो पार्क का और ट्रेलर कंट्रोल का इस आपको इसकी स्क्रीन पे शो हो रहे हो गाड़ी में हेडज डिस्प्ले का फीचर भी ऑफर किया जाता है सिर्फ बटन आपको मिलेगा फोर कंट्रोल के अपिल कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें फोर के डिफरेंट ड्राइव मोड भी ऑफर किया जाता है और इस गाड़ी में लॉन्च कंट्रोल भी दिया जाता है जो की इस गाड़ी की फॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बना दे और यहाँ पे देख सकते कार्बन फाइबर की फिनिशिंग भी मिलेगी इस तरफ भी कार्बन फाइबर आपको मिल जाएगा मल्टीमीडिया स्क्रीन की तरफ आते तो यहाँ पे एक मल्टी मीडिया स्क्रीन ऑफर की जा रही है जो की काफी यूज साइज में मिलती है जैसे कि आपने टेस्ला में टेस्ला पैनल देखा होगा तो इसी तरह से टेस्ला की स्टाइल के अंदर आपको एक स्क्रीन दी जाती है यहाँ पे आप काफी ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं इस गाय में थ्री सिक्सटी व्यू कैमरा दिया जाता है थ्री सिक्सटी कैमरा के साथ इसमें जो एडास की फंक्शन होगी वो यहां से कंट्रोल कर सकते हैं एडास के फंक्शन के साथ साथ इस तरफ देखे तो यहाँ पे भी क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है यहाँ पे ट्रेलर कंट्रोल आता है अगर मैं इस तरह करूँगा तो गाड़ी ऑटो ट्रेलर को कंट्रोल भी कर सकती उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी ऑक्सपोट वगैरह की इंफॉर्मेशन पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करना चाहिए ऑन करना चाहिए फ्रंट पे भी टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं और रे पे भी टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं मोबाइल वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है इस तरफ गये बॉक्स आ जाता है जो तो मेनुअली इसको ड्राइव कर सकते हैं पैराशिफ्ट मिलते हैं और यहाँ पे डोल कपोल देख सकते हैं आप देखते तो यहाँ पे लेदर सीट मिलेगी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिलेगी लंबा सपोर्ट मिल जाएगा और हीटेड और वेंटिलेटेड मिल जाती है और लेदर सीट सीट्स मिल जाती है रूफ पे कंट्रोल्स की तरफ आ जाए तो यहाँ पे काफी ज्यादा बटन मिल रहे हैं बेसिकली ये देखते हैं तो यहाँ पे हमें इसमें ऑटो शेड दिया जाता है अगर शेड को ओपन करना चाहे सन को क्लोज करना चाहे हम लोग कर सकते हैं उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी सन शेड को ओपन करना चाहे तो हम लोग इसके शेड को भी ओपन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली शेड मिल जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं हम इसके अगर ट्रंक को ओपन करना चाहे जैसे कि मैंने आपको बटन से ओपन करके दिखाया था हम यहाँ से बटन को भी प्रेस करके ट्रंक ओपन हो जाएगा उसके अलावा अगर हम लोग रे को ओपन करना चाहे देख सकते हैं ये भी इलेक्ट्रिकली ओपन होते हैं ये आपको हाई पिकअप ट्रक के अंदर इलेक्ट्रिकली मिलते हैं जो कि रे विंडो होगी ये इलेक्ट्रिकली ओपन होती है और यहाँ पे आप सन ग्लासेज रख सकते हैं इस तरफ देख सकते हैं आपको एक रे पे भी व्यू कैमरा का मिल जाता है अगर आप रे व्यू लेना चाहते हैं तो रे व्यू ले सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल करना चाहे वो भी कंट्रोल कर सकते काफी अच्छा एच डी रेजोल्यूशन के अंदर आपको रे व्यू मिल जाता है पे आमरेस की तरफ आए तो आमरेस इसमें काफी यूज साइज के अंदर मिल जाता है अगर आप यहाँ पे स्पेस भी देखते हैं तो काफी ज्यादा यूज स्पेस इस गाड़ी के आर्मरेस पे मिल जाती है सेफ्टी फीचर्स की तरफ आए तो इस गाड़ी में आपको हर तरह के सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं जैसे कि इस गाड़ी में एडास भी मिलेगा रेडा फीचर्स भी मिलेगा अगर फोर एक्स फोर कंट्रोल्स की तरफ आए तो हर तरह के ऑफ रोडिंग कंट्रोल मिलते हैं जो कि मल्टी ट्रेन सिलेक्ट का फीचर होता है एम टी एस उसके अलावा इस पे ट्रेलर कंट्रोल दिया जाता है फोर एक्स फोर के हर तरह के कंट्रोल मिल जाते हैं और ये गाड़ी सेफ्टी में भी काफी बेस्ट गाड़ी है ऑफ रोडिंग में काफी बेस्ट है क्योंकि ये अमेरिकन पिकअप ट्रक है तो अमेरिकन कार्स के अंदर आपको सेफ्टी फीचर इन गाड़ियों की परफॉर्मेंस होती है वो भी काफी बेस्ट होती है तो अगर आप इस गाड़ी में इस गाड़ी को बाय करना चाहते हैं, तो आप कार्स कराची पे विजिट कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते आपको किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ अल्लाह